विशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं इस वक्त भाईंदर में हूँ, भाईंदर के बंधन पूजा समिति के पंडाल में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं माता देवी का हवन चल रहा है। आज नवमी का दिन है और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे हवन हो रहा है। करीब 40 साल पहले यहाँ देवी की स्थापना की गई है। हम यहाँ के पद अधिकारियों से मिले, आइए चलते हैं और देखते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है, इस मंडल और इस नवरात्रि के बारे में उनसे जानते हैं। मीरा भाईंदर में अभी आज का ये जो दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा बंगाल संघा द्वारा, ये 39th ईयर है। और सबसे मीरा भाईंदर शहर में अगर सब जगह 20 पूजा आयोजन किया जा रहा है सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा, तो हमारा सबसे जूना पूजा है। ये हमारा निजी संस्था का जमीन है और आप देखिए माँ के साथ काली माँ भी विराजमान है। स्थापित किया हुआ मंदिर है हमारा। पुलिस प्रशासन ने, राज्य शासन ने, केंद्र शासन ने जिस तरह से हमें गाइडलाइन दिया है कि आपको डिस्टेंस मीटिंग करके लोग दर्शन के लिए आएंगे, जास्ती जास्ती ऑनलाइन दर्शन के लिए कीजिए, लोगों को मत आने दीजिए। और जो भी प्रोसेशन नहीं है, महाप्रसाद का वितरण नहीं किया गया है, कल्चरल जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं बच्चे लोगों के साथ स्टेज कार्यक्रम, वो भी बंद किया गया है। तो कोरोना का काल में उन्होंने हमें अनुमति दिया पूजा करने के लिए, सबसे बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में हम माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना मुक्त हो पूरा भारत, और अच्छे से अच्छा अगले साल हम भव्य मूर्ति लाए, प्रोसेशन करें, महा का महाप्रसाद वितरण करें और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करें।